बताया कि हम सबको एकत्रित होने का सौभाग्य मिल रहा है। इस महामारी ने सबके जीवन में व्यस्तता ला दी थी, सब शांति बनाकर बैठ गए थे। आज पुनः एक बार फिर से हम सबको एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान विनायक जी से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसी तरह आप सबके बीच ऐसे ही अवार्ड फंक्शन होते रहे, आप सब लोग सम्मिलित होइए और ये कोरोना नामक महामारी का सर्वनाश हो। इसी भावना से सब लोग अपने मन ही मन में 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। देखो कुछ मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण ऊंची आवाज से नहीं किया जाता है, इसीलिए गायत्री जो मंत्र होता है वो महामंत्र कहलाता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नः दीपो हरतु मे पाप पूजा दीप नमोस्तु ते। हरि अम्मा चंद्रमा मन सजाद सचा सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणिश्च मुखाद् अग्निरजायत जौः शान्तिरन्तरिक्ष गं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकरया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। माचिस एक सामने वाला Here at the Pride of India iPhone Award 2021, thank you so much, and congratulations to all the winners in the audience. It feels great to be here, especially in the Desi Avatar Lab next time. Lehenga Choli to be sponsored by you. thank you guys for being here for this lovely gathering. I feel so, so happy, so privileged, and so beautiful today. Thank you. Thank you. Speak and then we'll kick start with the awards. Thank you. Good afternoon to everybody who are present here for this wonderful event, Pride of India, Icon Award. Thanks to Akhilesh sir. Like he's always promoting people who are doing good work. And I'm thankful to him. My moral support to all is given. Thanks to all. Means I can tell you, you are the people who are the star of Bombay. And I wish all the best. Thank you very much. Wow! I think this is fabulous. This is for you, Akhilesh ji. हमारे लिए कालिया नहीं बजती है, आपके लिए सीधी भी बज रही है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं, खास करके मैं अर्चना जी का धन्यवाद करूँगा। आवाज बहुत ज़्यादा है, बोल जल्दी थोड़ा सा आवाज कम करो मुझे भाई। हेलो, चेक 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 चेक, थोड़ा सा और कम करो, बस थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो। हेलो, चेक चेक, हाँ बस गुड। सरलित जी चोपड़ा हमारे बीच में है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। मालवीय जी मेरे बीच में है, बहुत धन्यवाद करूँगा। चरण जी माथुर हमारे बीच में है, पूजा जी माथुर हमारे बीच में है, अनिता शर्मा दीपू शर्मा जी हमारे बीच में है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग बिना इनका परफॉर्म देखे मत जाइएगा। अगर आप लोग बिना इनका परफॉर्म देखे अगर चले गए तो बहुत बड़ा आज मिस करेंगे। ये सब आज हम अवार्ड के साथ साथ एक ऐसा परफॉर्म लेकर आए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और आज तक आपने ये सब परफॉर्म देखा नहीं होगा। लेडी मनोज कुमार लेडी पहली बार कोई करती है तो वो दीपू शर्मा जी करती है। आपके मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इनकी आप परफॉर्मेंस देखेंगे। तो प्लीज आप लोग थोड़ा स्टे करिए, हौसला धरिए और अवार्ड को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर दीपू जी का परफॉर्म देखेंगे। बहुत सारे मेरे बीच में पवन जी आए हुए हैं अहमदाबाद से, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो आए हुए हैं, और अनिता मिश्रा जी हैं, संगीता मिश्रा जी हैं मेरे बीच में हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप,
मिश्रा जी मैडम और जफर पीरजादा जी भी आए हुए हैं हमारे साथ और नेहा मेघा जी आई हैं पूना से। तो मैं सभी का दिल से अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय विश्व हिंदू सेवा संघ अध्यक्ष रविंद्र जी द्विवेदी मेरे बीच में हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और किसी का रहेंगे हो तो माफ करिएगा, मैं सबका धन्यवाद करूँगा। और आप कार्यक्रम शुरू करते हैं और एक छोटी सी मैसेज है, हमारे बीच में पायल घोष आने वाले थे, आज उसको सुबह सुबह एसिड अटैक हुआ है। तो ये बहुत बुरी बात है, महिलाओं के साथ इस तरीके का अगर इस तरीके का बर्ताव होता है और मुंबई जैसे शहर में, बड़ी ही शर्मनाक बात है कि ऐसे कोई ऐसे करता है महिलाओं के साथ। आज हमारे बीच में आने वाले थे, अभी वो कहीं बहुत गंदे तरीके से है, मेरी बात हो रही थी फोन पे, बहुत रो रहे थे कि आने आना था मुझे लेकिन मैं आ नहीं सकी अखिलेश जी मैं आपके अवार्ड में। तो मैं यहाँ से मंच से ऐसे लोगों को बहुत धिक्कार करता हूँ कि जो महिलाओं के ऊपर ऐसे एसिड अटैक वगैरह करते हैं। खैर वो सब चल रहा है, इंक्वायरी वगैरह चल रही है, पुलिस उसके घर पे है, रामदास जी पहुँचे थे, सब लोग पहुँचे थे वहाँ, तो सपोर्ट Prestigious Pride of India Icon Award 2K21 to Miss Malvi Malhotra. Oh, we love that look. Check out her eyes as well. Thank you so much for giving me this fresh face of 2021. I feel so grateful. And thank you Akhilesh ji for having me here. Thank you Ashna ma'am for awarding me. And thank you Simran, so sweetheart. And thank you all the media people for being here. And thanks everyone. We have our mobile phones in our hands and all the mesmerizing beauties are here with us on stage. Yes, Manoj Kumar. Vasant Bhandari ji. Please aa jaiye. Many please have Sudesh here with us. Sudesh. Ladies and gentlemen. We are truly thankful to all our celebrities, but I'm going to announce one last award before that. Presenting the Outstanding Anchor of the Year, which goes to Simran Ahuja. Sorry for this, but I want to decide to do that. घर जाकर फिर से देखूंगी पूरा वीडियो। और जितनी तालियां और जितनी अप्लॉज आपके लिए बजे, आई थिंक हमने ऐसा सेलिब्रेशन अब तक प्राइड ऑफ इंडिया आइकॉन अवार्ड में नहीं सुना। मोरओवर अखिलेश सिंह जी अब तक इतना मुस्कुराएंगे जितना आप मुस्कुरा रहे हैं। ये तो पहले शुरुआत में उन्होंने लाइटिंग ऑफ द लैंप के टाइम कहा था दैट यू नो आई विल ओनली स्माइल आफ्टर द शो, बट लुक एट हिम। वेयर इज द चेयरमैन प्रेजेंटिंग, सॉरी वन सेकंड, प्रेजेंटिंग द बेस्ट लुक लाइक लेडी मनोज कुमार एंड इट गोस टू वन एंड ओनली सामने श्वेता सेना, शाइला मैम प्लीज।
Hello friends, my name is Sohail Fidayan. I'm here with Yuvika Chaudhary, who's won the Pride of India Icon Award. First of all, congratulations. How excited, you know, awards are for you guys? You know, it's a love and token of love and respect we receive. And just want to say thank you. Bahut bahut shukriya. Ye pyar hota hai, jo ek trophy ke form mein hume diya jata hai, samman hota hai. And uske liye aap logon ne mujhe yahan ye pyar se, samman se mujhe sammanit kiya. Uske liye bahut bahut shukriya. अवार्ड कोई भी हो पर कितना लाइक मोटिवेट भी करता है, डेफिनेटली आपको मोटिवेट करता है. मेरे माने में जैसा आपने बोला अवार्ड कोई भी हो, लेकिन अगर आपको प्यार सम्मान मिल रहा है उसको यू कांट डिनाई दैट. रिसेंटली मैं सीरीज का शूट कर रही हूँ, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. इट्स अ बिग सीरीज एंड उसके बारे में बहुत ही जल्द खुलासा करना चाहूँगी जैसे ही मुझे परमिशन मिलेगी मेरी टीम से. बट इस वक्त मैं उसी का शूट करने में बिजी हूँ. थैंक यू.